फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल मोनिका व्लॉगिंग वर्ल्ड। मैं हूँ मोनिका और आज मैं शूट कर रही हूँ हमारे शिरडी ट्रिप का सेकेंड डे का। कल मैंने आपको बताया था कि शाम को हम खाना बाहर खाएंगे, पर नहीं, हम लोगों ने बाहर से कुछ भी नहीं खाया, हैवी हो गया था। तो भैया ने सिर्फ रूम पे ही फेमस पाव अगर क्या लाया था, वड़ा पाव लाया था, और इतना टेस्टी वड़ा पाव था वो। हम लोगों ने बस वो वड़ा पाव खाया और रात को सो गए। सोए तो ऐसे सोए, बेहोश होके सोए, सच बता रही, इतना थक गए थे, बॉडी पेन। और लेट से सुबह उठे हम लोग, 8:30 बजे उठे, और सुबह से तो आरतियाँ शुरू हो गई थी। मतलब गहरी नींद में नहीं थे, जैसे आरती शुरू हो गई थी आवाज़ पूरी आ रही थी रूम में। तो 8:30 बजे उठे, अभी सब फ्रेश हो गए, नहा लिए, देखिए सब जन तैयार है। लिखित किया मामा पैसे काउंट कर रहे, क्यों मम्मी मुझे पैसे दे रहे क्या शॉपिंग के लिए? लिखित किया मामा पैसे काउंट कर रही है, और भरत देख रहा है अमामा मेरे लिए क्या शॉपिंग कर रही है, कितने पैसे निकाल रही है। और दीदी क्या कर रही है? दीदी मोबाइल में गेम खेल रही है। नहीं, मैं अपने पति का टिकट बुक कर रही हूँ। वो जीजू का टिकट बुक कर रही है। तो जस्ट हो गए हम लोग अभी जस्ट बाहर निकलने वाले, तो सोचा आप लोगों को हाय बोल दूँ। आज शॉपिंग जो करूँगी जमेगा तो पूरा वीडियो लूँगी, नहीं तो क्या क्या शॉपिंग की इसका वीडियो ज़रूर डालूँगी आप लोगों के लिए। जल्दी आएंगे, बच्चे को कैरी करके, मम्मी कैरी कर लेती है तो मैं थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लेती हूँ, पर कल दिन भर वो कैरी करके, मम्मी को भी हैंड्स पेन हो रहा है, तो आज हम 50-50 करके कैरी करेंगे। जमेगा तो पूरा वीडियो लूँगी और आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। कैसे एंजॉय किया हम लोगों ने शिरडी में सेकेंड डे, फर्स्ट डे तो एंजॉय किया, उसका वीडियो मैं जल्दी डाल दूँगी। और अभी चलिए चलते, बस भी आ जाएगी, बस का वेट करेंगे। हम संस्थान की बस से जा रहे हैं मंदिर के पास, वहाँ उतरेंगे और फिर वहाँ आसपास में जो है शॉपिंग करेंगे। और कल मैंने देखा था कोल्हापुरी चप्पल लेना है मुझे, और क्या कम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी बहुत सारे है, तो ज्वेलरी भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे है, वो सब हम लोग शॉपिंग करूँगी मैं। चलिए फिर मिलती हूँ। लिखित क्या कर रहे हो? पानी पी रहे हो? मम्मी को दोगे? थोड़ा सा दो ना, मम्मी को पानी दो ना। तो लिखित पानी पी रहा है और हम लोग सब रेडी हो गए, चलिए मिलती हूँ। सो देखिए लिखित, लिखित मुंडन हुआ क्या? लिखित बाल कहाँ गए? बाल कहाँ गए? बाय बाय गए? बाल कहाँ है? कहाँ है बाल? सो देखिए लिखित का मुंडन हो गया है, तो वो बार बार पूछ रहा है मम्मी मेरे बाल कहाँ गए, मम्मी मेरे बाल कहाँ गए पूछ रहा है। और हमारे पास उसको बस हम लोग बता रहे हैं, साई ताता को दे दिए हैं हम लोगों ने बाल। बाल कहाँ गए? हाँ वो देखिए अभी वो भी बता रहे हैं, बाल साई ताता को दे दिए। और यहाँ, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है शिरडी, मम्मी साई कॉम्प्लेक्स है क्या वो? हाँ साई कॉम्प्लेक्स है, वहाँ जाएंगे। वहाँ पे ना एक आर्ट गैलरी है, बहुत ही मस्त है। जमेगा तो वहाँ का वीडियो ज़रूर लूँगी मैं, मिस नहीं करूँगी अगर वो लोग परमिशन देंगे तो। मुझे पता नहीं परमिशन देंगे नहीं, परमिशन देंगे तो मैं ज़रूर लूँगी वीडियो, क्योंकि बहुत ही बहुत ही बहुत ही मस्त है वो जो आर्ट गैलरी है, उसको ज़रूर देखिएगा आप जब भी कभी आएंगे शिरडी, तो वो आर्ट गैलरी ज़रूर जाइएगा। चलिए सो फ्रेंड्स, हम लोग जहाँ बस उतरे थे उसके बस उतरने के जगह पे मंदिर के पास ही ये इयररिंग्स वाला था, तो हम लोगों ने बोला चलो देख लेते हैं ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज के इयररिंग्स। और हाँ, इसके प्राइस भी अफोर्डेबल थे, पर थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, उसने 150 रुपीज़ बताया। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने से ये लोग कम भी कर देते हैं। तो देखिए दीदी ने ट्राई भी किया है, मुझे पूछ रही कैसा लग रहा है। दीदी के चेहरे पर पता नहीं हर इयररिंग अच्छा लगता है। थोड़े आगे जाने के बाद वड़ा पाव दिखा, जब भी शिरडी आए, मनवाड़ा आए, तो वड़ा पाव ज़रूर खाइएगा। मैंने वड़ा पाव खाया तो प्रॉब्लम हो गई छोटू को, भरत को मोशन्स हो रहे थे, और बहुत ही टेस्टी वड़ा पाव था। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे स्टॉल में भी खा लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉल वाला टेस्ट होटल में बिल्कुल भी नहीं आता है। वड़ा पाव खाने के बाद हम लोग ये कोल्हापुरी चप्पल लेने, हम लोग ये कॉम्प्लेक्स के अंदर गए थे, यहाँ ब्लू लेन में गए थे शायद से, वहाँ हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाया, फैमिली फ़ोटो, एक ग्रुप फ़ोटो खिंचाया बाबा के साथ।
फिर जब तक चप्पल काटता है ना तो फिर चल वो रहते जनरेट कर रहे थे। हम लोगों ने चप्पल लिया है, जो पानी निकलता है ना, दीदी ने चप्पल लिया, मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे चप्पल काटते है कोल्हापुरी चप्पल, इसलिए तो उन्होंने कहा कि आप ऑयल लगा लीजिएगा, चप्पल नहीं काटेंगे। स्टार्टिंग में तो काटते हैं, फिर उसके बाद ऑपोजिट में एक बैग का दुकान था, लिखित ने तो बहुत ही परेशान कर दिया उसको, वो जो हेडफोन रखने वाला जो छोटा वाला पाउच टाइप है वो चाहिए था, तो ये देखिए जो स्माइली में है उसके बाजू में मेटल वाला है, लिखित ने वैसा वाला एक लिया। और बाप रे कितना रेट बताया उसने उसका, 50 रुपीज़ बताया, जब बार्गेनिंग किया तो तब जाके उसने 25 में दिया। तो बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा जब भी शॉप में जाएंगे, क्योंकि बिना बार्गेनिंग किए तो आप अगर फुल रेट वो लोग बताए रेट में लेंगे तो हो गया। अब बाहर आने के बाद देखिए ये जो बिल्डिंग है ये मंदिर का बिल्डिंग है, और वहाँ सज्जन दर्शन के लिए लाइन लगे। मैंने आपको जैसे बताया था अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो आपको VIP दर्शन हो जाएगा, 1 ईयर से छोटा बच्चा है, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं और या आप प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट भी 7 मंथ्स के ऊपर मीन 7 to 9 मंथ्स के लेडीज़ को ही VIP दर्शन, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो ये कितनी भीड़ थी, हमारे तो जल्दी से दर्शन हो गई थी। और ये दीदी ले रही है, एक सेट ले रही है, किसी को गिफ्ट देने के लिए ले रही है दीदी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कपड़े देखे, ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स है जहाँ मैंने आपको बताया था कि साई जीवन चरित्र का ये है आर्ट गैलरी, उसी कॉम्प्लेक्स का है, फर्स्ट फ्लोर में है, ये फर्स्ट फ्लोर है कि ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, और साइज जीवन चरित्र है सेकंड फ्लोर में। तो देखिए मोनिका जी बहुत थक गई है कल पूरा शिरडी वॉकिंग कर करके, तो अभी ये ले रही है मसाज, फर्स्ट फ्लोर में साइज बॉडी मसाज, जाते समय मुझे पैर तो इतने पेन हो रहे थे, मैंने कहा चलो थोड़ा बॉडी मसाज ले ही लेते हैं, इसका भी एक्सपीरियंस लेंगे। फिर लिखित भी वहाँ पे बाइक था, जीप था, तो वो चला के उसने थोड़ा बहुत अपना। मोनिका आपको कैसा लग रहा है अभी? तो आप यही रह जाइए और हम लोग सब जा रहे हैं वापस। मैं बता रही हूँ बहुत ही रिलैक्स, मम्मी ने दीदी को बैठने नहीं दिया क्योंकि ये वाइब्रेट होता है, और क्या कराया तो आपको मालूम है, इसलिए दीदी को बैठने नहीं दिया। एंजॉय दी मसाज, तो मैंने थोड़ा बहुत एंजॉय। मोरे भी पी जा रहे हो क्या? गाड़ी में जा रहे हो? अरे देखो हमारा लिक्कू जा रहा है आज शिरडी का टूर, वो भी बाइक पे। लिक्कू तो बहुत डर गया था जैसे वो जीप में बैठा था, लिक्कू स्माइल, वो जैसे उन्होंने रिमोट से चालू किया जीप, लिक्कू डर के रोना शुरू कर दिया। तो देखिए अभी हम जा रहे हैं साई जीवन चरित्र आर्ट गैलरी, मैंने कहा था जितना होगा मैं वीडियो लूँगी, तो उन्होंने मुझे अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं किया। ये देखिए ये स्टेयर केस जैसे चढ़ के जाना है, तो वहाँ तक जहाँ तक एंट्रेंस तक तो मैंने लिया है वीडियो, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मोबाइल अलाउड नहीं है और मुझे मोबाइल बाहर ही रखना पड़ा। तो आप जब भी जाएंगे साई कॉम्प्लेक्स में ज़रूर जाइएगा, ये सेकेंड फ्लोर पे है, और वो लोग आपको वहाँ पे समझाएंगे भी आपके लोकल लैंग्वेज में, अगर आप हिंदी है तो हिंदी में बताएंगे, मराठी है तो मराठी में, तेलुगू है तो तेलुगु में बताएंगे, पूरा मतलब साई बाबा कब आए थे शिरडी सब उनका पूरा जीवन चरित्र वो आपको 5 मिनट्स में बता देंगे। ये देखिए मैं यहाँ क्या करने जा रही हूँ, मस्ती, बहुत एंजॉय किया, पैर भी बहुत दुख रहे थे, थक गए थे, चलना नहीं हो रहा था, नॉर्मल चल पा रहे थे पर सीढ़ी चढ़ते समय पैर बहुत ही पेन हो रहा था। देखिए कितना ऊपर है, थक के एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ के, देखिए गौ माता, पर अंदर बहुत ही अच्छा है, उन्होंने डिफ्यूजर भी लगाया था। वो येलो कलर की साड़ी में जो आती है उन्होंने तेलुगु में बताया था। देखिए यहाँ पे जो वो आइस दिखा रहे हैं बाबा के आइस, सभी सेलिब्रिटीज के साथ लिए हुए फोटोज भी है, वो आइस हम लोगों ने भी लिया है। देखिए जो आइस वो लोग लेते हैं, सचिन तेंदुलकर इस तरह से, सचिन तेंदुलकर का फोटो, तो देखिए अभी वो मुझे मना कर देगी, फ़ोन अलाउड नहीं है बोल के, इसलिए मैंने फ़ोन बंद कर दिया।
ये द्वारका माई के ऑपोजिट में, वो जो बाजू में आपको दिख रहा है वो द्वारका माई है, साईं बाबा का गुरु स्थान वो सब है। वहाँ हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, लिखित ने तो हद कर दी, वाह हद। वो हर शॉप में जा रहा था, कोई टॉय उठा रहा था और बोल रहा था ये मुझे चाहिए। लिखित ने ऑलरेडी फर्स्ट डे भी बहुत शॉपिंग की, सेकेंड डे भी वो माना नहीं, उसको सब चाहिए था। यहाँ से दीदी ने कुछ कुछ लिया है, फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाया, उसका वीडियो नहीं होगा, पर ये शॉप से हम लोगों ने देखी, ये वाले शॉप से हम लोगों ने आइसक्रीम टॉय के जगह का वो छोड़ देगा बोल, और ये गेट नंबर 4 है जहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं। वो देखिए, मैं यहीं से लाइव आई थी मंदिर के पास से, पीछे में मंदिर का वो देखिए, वो मंदिर है, गोल्डन में दिखाया ना वो मंदिर है। और उसके बाद बस थक गए थे, हम लोग शॉपिंग करके आ गए, ज़्यादा शॉपिंग नहीं किए, पर जितना शॉपिंग किया उससे ज़्यादा तो हम थक गए। और ये देखिए, मैं थोड़ी देर पहले लाइव आई थी शिरडी के मतलब मंदिर के पास से, वो भी ज़रूर देखिएगा। जस्ट 2 मिनट लाई थी क्योंकि हम लोगों ने तब तक ऑटो बुक कर लिया था वापस आने के लिए, हम लोग बस का भी वेट नहीं किए क्योंकि बहुत पैर दुख रहे थे। ऑटो से हम लोग आ गए और अभी आके देखो दीदी भी लेटी हुई है, मैं भी लेटी हुई हूँ, मम्मी पैकिंग करी है और उधर भैया भी लेटा हुआ है, वो देखिए दिख रहा है, और लिखित खेल रहा है, ये देखिए सॉरी लिखित खेल रहा है। लिखित आइसक्रीम का है, इधर जा, इधर दिखाओ आइसक्रीम दिखाओ, अब आप लिखित का आइसक्रीम देखिएगा, लिखित दिखाओ जल्दी दिखाओ आइसक्रीम, लिखित अपना आइसक्रीम लेके आ रहा है। और मेरी मम्मी ने मुझे बुड्ढी का बाल खरीद के दिया है, ये देखो आइसक्रीम, ये क्या है बेटू? लिखित जो यूट्यूब में वीडियोस देखता है उसमें ऐसे ग्लास के ऊपर ऐसे कोन रख के उन लोग उसको आइसक्रीम बनाते हैं, तो लिखित ने भी इसको आइसक्रीम बनाया। आप में से कितने को ये आइसक्रीम चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा, लिखित भेज देगा। लिखित दोगे क्या ये आइसक्रीम, दोगे क्या? हाँ देगा लिखित, तो हम आपको ये आइसक्रीम पार्सल कर देंगे। और ये देखिए बुड्ढी का बाल मेरी मम्मी ने मेरे लिए लिया है, मैं जहाँ भी जाती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी अभी आदत हो गई है कि मैं कुछ लू नहीं लू, पर मेरे लिए बुड्ढी का बाल ज़रूर लेते हैं और मुझे बहुत पसंद है ये, पर अभी पेट फुल टाइट है इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। अब भी लिखित अपने भाई को बाल से मारने वाला था, बच गया थोड़े से में, ये तो लगा रहता। और अब हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर पैकिंग करेंगे और 4:30 बजे मेरी पैकिंग यहाँ से निकलेंगे हम लोग, 4:30 बजे निकलेंगे। पैकिंग सब हो गया है, ये जो चद्दर हम लोगों ने बिछाया था उसको फोल्ड करके जस्ट बैग में रखना है। और हाँ, मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम शिरडी जा रहे हैं तो कैसे प्लान करें, ये वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊंगी, देखिएगा ज़रूर। तो चलिए अभी मैं जाते जाते थोड़ा बहुत वीडियो लूँगी, कल मैंने एक वीडियो शूट किया था शिरडी के, मतलब जब हम जा रहे थे यहाँ से प्रसादालय, बस स्टैंड, टेम्पल वो सब, लेकिन वो वीडियो पता नहीं सेव नहीं हुआ मेरे मोबाइल में। मैं फिर से एक वीडियो शूट करूँगी आप लोगों के लिए स्पेशली। और यहाँ से मनमाड़ जाते समय एक अंगूठा पहाड़ भी आता है, पहाड़ का शेप ऐसा रहता है इसलिए उसको अंगूठा पहाड़ कहते हैं, उसका भी वीडियो शूट लूँगी मैं। और चलिए फिर मिलती हूँ, मेरे पास कुछ फोटोज है तो अंदर में था और अच्छे से नहीं डाली होगी, सुपर टेस्टी, मुझे तो बहुत पसंद है। टेस्टी मीन्स इसमें सिर्फ चीनी का ही टेस्ट आता है, मीठा मीठा रहता है पर बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए खाऊंगी तो मेरी जीभ भी अभी पिंक हो जाएगी। तो देखिए 1 आवर रेस्ट करने के बाद, थोड़ी सी पैकिंग सब करने के बाद हम लोग स्टार्ट हुए। हम लोगों ने टैक्सी बुक किया, ये एक्चुअल में 8 सीटर है पर पीछे साइड में 6 जन बैठते हैं, हमारे साथ बच्चा था तो हमने बोला हम 6 को पे करेंगे लेकिन 4 ही जन बैठेंगे। तो हम लोग जा रहे, स्टार्ट हुए शिरडी से, हमको लगा है 1 आवर 25 मिनट्स मतलब 1.25 घंटा लगा है। तो थोड़ा सा लुक देखे जाते समय का भी, और ये देखिए यहाँ पालकी भी आई थी,
बहुत सारे लोग साईं बाबा की पालकी बाय वॉक मतलब पैदल आ रहे थे, वो कैप्चर नहीं हो पाया मुझसे क्योंकि मैं उनको देखने में बिजी थी। बहुत से लोग आए थे, वो लोग पदयात्रा बोलते हैं ना, पैदल आए थे पालकी लेके। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम लोग गन्ना जूस पीने के लिए रास्ते में रुके हैं। यहाँ तो रोड के दोनों तरफ मीन्स एक एक छोटे छोटे 5 कदम के गैप में एक एक गन्ना जूस का सेंटर है। जस्ट हम लोग खेत से गन्ने तोड़ के लाते हैं, जूस बनाते फ्रेश। हाँ बेटा देखिए, लिखित खा रहा है तो आपको बता रहा है। देखो मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहे हो? मिक्सचर खा रहे हैं। हम लोग गन्ना जूस पियेंगे, यम्मी वाला। तो वो गन्ना जूस बहुत ही मीठा और बहुत ही टेस्टी था। गन्ना जो पिया फिर मैं जब अंदर बैठी थी, भैया बोला छुट्टी आ बाहर आ, देख क्या मोर है मोर है, तो फिर मैं उसको ऊपर दे दी। और दीदी और मम्मी ने तो टैक्सी में बैठ के गन्ना जूस पिया। लिखित को गन्ना जूस बहुत पसंद था पहले, पता नहीं अभी क्यों नहीं पी रहा है। ये गन्ना जूस वो सब बाहर का पानी सब चेंज के कारण मेरा वॉइस भी बैठ गया। आप लोग को वॉइस ओवर में समझ में आ रहा होगा कि मेरा वॉइस थोड़ा सा डल है, इसलिए थोड़ा ऐसा आ रहा। मैंने सोचा चलो कुछ भी हो जाए शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो देखिए अभी मैं जा रही हूँ उस मोर का वीडियो कैप्चर करने के लिए। तो देखिए आप लोग को दिखा के, वो देखिए वहाँ मोर है। मैंने जूम में कैप्चर किया क्योंकि मोर इस तरफ आ नहीं रहा था। और ये मोर की स्टोरी ये है कि उनको खेतों में अंडा मिला था मोर का, तो उन्होंने वो मोर का अंडा लेके आया। वो देखिए उसके बाजू में मुर्गी भी है, तो मोर का अंडा उन्होंने मुर्गी के अंडे के साथ रखा था, और वो मुर्गी ने उसको मीन्स ये करके किया तो उस मोर आया, और तब से वो लोग वो मोर को पाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे चीकू का पेड़, अनियन सब खेतों के बीच में, और वहाँ एक भैया गए हुए वो मोर को लेके आने के लिए इस तरफ, ताकि वो वीडियो में क्लियर आए। और एक जो भैया गन्ना जूस निकाल रहे थे, वो दाना लाने गए मोर के लिए। वो मोर का दाना ला के डाले तो वो मोर आया था आगे में। और वो जो ऊपर दिख रहा है ना छत, वो उधर बैठा रहता है मोर नाइट टाइम में। वो देखिए आया मोर, जा रही हूँ। वो ये टंकी से पानी पीता है और वो ऊपर जो है छत वहाँ पे बैठा रहता है रात में। और बहुत ही साइलेंटली गई हूँ मैं ताकि वो भाग ना जाए। वो देखिए मोर पालने वाला, वो मोर जैसे ये गाड़ी आई वो भाग गया मोर। लिखित वो ना मैं बोलती ना वेलकम बैक टू माय चैनल, तो वो विक्की चैनल बोलता। हम लोग अभी ट्रेन में बैठ गए हैं बैक टू चंद्रपुर। शायद आपको आवाज़ मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, पर हम लोग ट्रेन में बैठे। ये देखिए भरत सबके पास जा रहा है। वो देखिए भरत को खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। भरत खेल रहा है, लिखित खेल रहा है। बस यही पे मेरा ब्लॉग एंड करती हूँ। अब घर जाने के बाद करूँगी, थोड़े दिन रेस्ट करूँगी, फिर देखूँगी क्या। चलिए फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।